इस ब्रेड एक सैंडविच को बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरीके का एक लोफ ब्रेड या फिर मिल्क ब्रेड। जी हाँ, हमें स्लाइस वाली ब्रेड बिल्कुल नहीं लेनी है। इसे तीन टुकड़ों में आप काटें बिल्कुल इस तरह से। फिर हमें इसमें बटर स्प्रेड करनी है अच्छे से, भर भर के मक्खन लगाएं, आपकी जितनी मर्जी हो उतनी। मक्खन लगाने के बाद इसे हमें पैन में फ्राई करना है। जी हाँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरी कॉलेज कैंटीन में इस तरीके का ब्रेड एग सैंडविच मिलता था, सिर्फ 20 रुपए की मिलती थी। ये एक ब्रेड के सैंडविच बनाकर 3 लोगों को सर्व किया जाता था। ये इतनी टेस्टी होती थी, इतनी ज़्यादा, कि सिर्फ ये सैंडविच खाने के लिए मैं क्लासेस छोड़ के कैंटीन में चली जाती थी। जी हाँ दोस्तों, इसे हमें अच्छे से फ्राई करनी है। अब आते हैं एग की तरफ। एक बोल में 2 अंडे को तोड़ें और उसमें कुछ सीजनिंग आपको डालनी है, जैसे कि आपको डालनी है 1/2 छोटी चम्मच नमक, जी हाँ, या फिर नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। फिर इसमें डालनी है आपको 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा काली मिर्च का पाउडर। जी हाँ, मैं इस तरह से काली मिर्च के पाउडर को ग्लास जार के अंदर रख देती हूँ। फिर इसमें मैं डालनी है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को चॉपर में चॉप करके अब इसमें डाल दी, छोटे साइज़ का प्याज, एक छोटे साइज़ का टमाटर और एक हरी मिर्च। इस तरह से डालकर अब इसे मिक्स करें, ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस अच्छे से मिक्स होनी ज़रूरी है। फिर पैन में हमें बटर ही गरम करनी है और फिर इसे डाल देना है अच्छे से फैलाते हुए। ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है, झटपट नाश्ते में अगर आपको कुछ बनाना हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिर इसके तीनों पीसेस को हमें इसमें रख देना है और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देना है। जब पूरी तरह से ये नीचे से अंडा पक जाएगा तो इसे आपको बिल्कुल टर्न कर देना है। जी हाँ, टर्न करते हुए अगर थोड़ा टूट वगैरह भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से फिर हमें कैसे सर्व किया जाता था, इस तरह से पीसेस में काट काट के हमें एक ब्रेड से 3 लोगों को या फिर 4 लोगों को सर्व किया जाता था। बिल्कुल इस तरह से आप इसे सर्व करें और गरम गरम नाश्ते में इसे इंजॉय करें।